नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत और ठंडे टूरिस्ट प्लेस मुक्तेश्वर के बारे में। ये प्लेस गर्मियों में घूमने के लिए एक शानदार और प्राकृतिक नज़ारों से भरा पड़ा है। इस हिल स्टेशन पर नैनीताल, मसूरी, मनाली और शिमला जैसी भीड़ तो नहीं रहती, लेकिन यहाँ की शांत वादियाँ और प्राकृतिक नज़ारे पर्यटकों को बेहद पसंद आते हैं, इसलिए ये टूरिस्ट प्लेस सुहाने मौसम में छुट्टियां बिताने के लिए बेस्ट है। और दिल्ली से मात्र 360 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ पहुँचना भी आसान है। तो चलिए फिर जानते हैं कि मुक्तेश्वर में घूमने के लिए क्या है खास, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर और कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मुक्तेश्वर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। ये प्लेस 2276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ से हिमालय की नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत चोटियों के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ पर मुक्तेश्वर मंदिर है, जो कि भगवान शिव का एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, और इसी के नाम पर इस शहर का नाम भी मुक्तेश्वर पड़ा है। तो चलिए आप जानते हैं यहाँ पर घूमने के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस को। इसमें पहले नंबर पर आता है चौली की जाली। दोस्तों, मुक्तेश्वर में घूमने की एक सबसे फेमस जगह है चौली की जाली। मुक्तेश्वर मंदिर के पीछे की तरफ ये जगह प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही खास जगह है। यहाँ पर आप रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हिमालय के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी दिखाई देते हैं। मुक्तेश्वर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, और यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। इसके बाद अगले नंबर पर आता है मुक्तेश्वर धाम। दोस्तों, मुक्तेश्वर शहर का नाम इसी मुक्तेश्वर धाम मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और स्थानीय लोगों की यहाँ पे काफी श्रद्धा है। मुक्तेश्वर का अर्थ होता है मुक्ति दिलाने वाला, यानी भगवान शिव। कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है धानाचूली। धानाचूली मुक्तेश्वर में घूमने की एक खास जगह है। ये मुक्तेश्वर से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। घने जंगलों से घिरी ये जगह प्राकृतिक रूप से बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ आप सेब के बगीचे और हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। शहर के शोरगुल से दूर शांति में कुछ पल आप यहाँ पर बिता सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है भालूगढ़। दोस्तों, मुक्तेश्वर से 13 किलोमीटर दूर एक बेहद ही खूबसूरत और शांत वाटरफॉल मौजूद है। ये वाटरफॉल प्रकृति के बीच एक शांत स्थान पर स्थित है। यहाँ पर घने जंगलों के बीच पैदल ट्रैक करके ही पहुँच सकते हैं। पहाड़ी जंगलों के बीच में ये झरना बहुत ही सुंदर है। इसे देखकर जंगल बुक मूवी की याद आ जाती है। पिकनिक मनाने के लिए ये जगह बेस्ट है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है शीतला। शीतला मुक्तेश्वर से 2.5 किलोमीटर दूर एक शानदार स्थान है। ये जगह अपने कॉलोनियल स्टाइल के बंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हिमालय की पंचाचूला, त्रिशूल और नंदा देवी चोटियों के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। ये जगह घने जंगलों के बीच एक शांत स्थान है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। तो यह है मुक्तेश्वर घूमने के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस। अब जानते हैं कि मुक्तेश्वर में घूमने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो अगर आप मुक्तेश्वर में घूमने के लिए आना चाहते हैं, तो यहाँ पे घूमने का बेस्ट टाइम गर्मियों का रहता है, क्योंकि जब शहरों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस समय सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ का मौसम साल भर सुहाना रहता है, तो इसीलिए पर्यटकों को यहाँ का मौसम काफ़ी शानदार लगता है, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं। वैसे आप साल भर में कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। आप चाहें तो बरसात और सर्दियों में भी आ सकते हैं। बरसात के समय तो यहाँ की ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर जाती है, क्योंकि बरसात में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग हो जाता है, चारों तरफ हरियाली होती है। तो बरसात में भी आप चाहें तो बरसात में भी घूमने आप आ सकते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा काठगोदाम, और काठगोदाम की जो दिल्ली से दूरी है वो लगभग 280 किलोमीटर है। काठगोदाम तक आप बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप पंतनगर हवाई अड्डे तक फ्लाइट से भी आ सकते हैं। इसके बाद काठगोदाम से मुक्तेश्वर की दूरी 57 किलोमीटर है। तो इसके बाद आप टैक्सी या बस से पहुंच सकते हैं मुक्तेश्वर। अगर आप बाइक से आए हैं तो बाइक से भी आप जा सकते हैं मुक्तेश्वर में। बहुत से लोग, जब नैनीताल में पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, तो मुक्तेश्वर घूमने भी आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मुक्तेश्वर की पूरी जानकारी मिल गई होगी।
हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।